हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एक जॉब अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चार प्राइवेट स्कूल में जो वैकेंसी निकल कर आया है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के, तो उसको लेकर चर्चा करूँगा। ये है प्रथम स्कूल का अपडेट, जो फर्स्ट स्कूल का अपडेट है। यहाँ पर DAV पब्लिक स्कूल, सेक्टर 49, गुरुग्राम। यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है। तो यहाँ पर 2024-25 सेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है। बोला गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विथ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया है। तो पहला पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट है इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर प्राइमरी टीचर, सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर्स, डांस, योगा, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल। उसके बाद चार नंबर पर है वेलनेस टीचर एंड काउंसिलर, से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहना जरूरी है, BEd क्वालिफाइड होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ट्रेन ग्रेजुएट और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, BEd क्वालिफाइड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर हरियाणा टेट और या CTET क्वालिफाइड होना चाहिए इंग्लिश मीडियम से। और यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, NTT क्वालिफाइड मतलब NTT ट्रेनिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है, और LDC के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग में और MS ऑफिस में। यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए बिलो 35 ईयर, 1/1/2024 के अनुसार, 1 जनवरी 2024 के अनुसार। अपर एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिल जाएगा। बोला गया है फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट CBT इज नॉन मैंडेटरी। लास्ट में जो पोस्ट बताया गया है सिविल इंजीनियर पार्ट टाइम कोचेस, इन लोगों के लिए CBT कंपलसरी नहीं है। कोचेस में यहाँ पर जो जो स्पोर्ट्स में नियोग किया जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट है, स्केटिंग है, हॉकी, चेस, जिमनास्टिक, जर्मन, फ्रेंच, थिएटर। इसमें यहाँ पर बोला गया है फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन, सब्जेक्ट और पैनल इंटरव्यू के साथ यहाँ पर नियोग किया जाएगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन PEC एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सब कुछ आप लोगों को तैयार करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कैंडिडेट हु आर डायनामिक, कमिटेड टू देयर प्रोफेशन, प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट्स इन रिटन और स्पोकन इंग्लिश ओनली अप्लाई। तो लेटेस्ट बाई 6/5/2024। तो जिन लोगों के पास क्वालिटी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है और इंग्लिश में मतलब आप लोग बात कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए बताया गया है। लास्ट डेट है 6/6/2024। तो फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा स्कूल के रिसेप्शन में 9 बजे से 11:30 के बीच, वर्किंग डेज जो है वहाँ पर। फॉर्म कैन ऑल्सो अवेलेबल डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। स्कूल का जो वेबसाइट है ऊपर दिया गया है, उस वेबसाइट में भी यहाँ पर फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। कैंडिडेट को बोला गया है कि कैंडिडेट टू सबमिट द फील्ड फॉर्म, यहाँ पर फील्ड फॉर्म फिलअप करके जमा करना चाहिए। तो पर्सनल अलॉन्ग विद ओरिजिनल और अटेस्टेड फोटो कॉपीज यहाँ पर देना जरूरी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पेमेंट इज टू बी मेड बाय द कार्ड ओनली। तो यहाँ पर पेमेंट कार्ड सिर्फ कार्ड के साथ ही किया जाएगा। तो फॉर द ऑल पोस्ट एप्लीकेंट मस्ट पजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब CBSE। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो CBSE के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट भर्ती यहाँ पर निकाला गया है DAV पब्लिक स्कूल, जो सेक्टर 14 है, गुरुग्राम। तो वहाँ पर ये वैकेंसी निकाला गया है। तो यहाँ पर भी 2024-25 सेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है। तो यहाँ पर भी DAV CBT क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। पहला पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी कम काउंसिलर। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट पर वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है प्राइमरी टीचर, तो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जनरल, म्यूजिक एंड डांस, फिजिकल एजुकेशन।
सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेलनेस टीचर एंड काउंसलर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है पहला स्कूल में, नेक्स्ट में भी यहाँ पर सेम टू सेम है। और यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो पोस्ट है, ट्रांसपोर्ट केयर टेकर, यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, एक सर्विसन और रिटायर्ड पर्सन यहाँ पर होना चाहिए। पार्ट टाइम स्पोर्ट्स कोच यहाँ पर इनके लिए भी वैकेंसियाँ है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जिमनास्टिक, फुटबॉल, चेस, टाइकोंडो एंड बैंड मास्टर के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन जैसा था पहला स्कूल में, लास्ट डेट यहाँ पर सेम टू सेम है, सब कुछ अगले स्कूल के मुताबिक जैसा रूल है उसी टाइप में यहाँ पर आप लोगों को सब रूल देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्कूल है DAV नर्सरी स्कूल, यहाँ पर एड्रेस है यहाँ पर आउटराम लाइन दिल्ली 11009। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। इनवाइट एप्लीकेशंस बोला गया है, यहाँ पर फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है यहाँ पर 6/5/2024, फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है 8/4/2024 से। सिर्फ DAV CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल एलिजिबिलिटी कार्ड, रेगुलर ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एंड ITC या ICT स्किल यहाँ पर रहना जरूरी है। नर्सरी टीचर के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए और NTT ट्रेनिंग किया होना चाहिए। तो NTT ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। और प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर SST और इंग्लिश में वैकेंसी है, यहाँ पर JBT कोर्स होना चाहिए और BEd और CTET क्वालिफाइड रहना जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है और उसके साथ साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल और IT स्किल यहाँ पर रहना जरूरी है। उसके बाद LDC अकाउंट्स यहाँ पर के लिए वैकेंसी है, BCom होना जरूरी है और IT स्किल यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर स्कूल का जो वेबसाइट है उसमें आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, या स्कूल का जो रिसेप्शन है उस पर भी आप लोग जाएंगे तो स्कूल का रिसेप्शन भी आप लोगों को प्रिस्क्राइब फॉर्म मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए हैंडलिंग चार्ज यहाँ पर 300 रुपया जरूरी है। फॉर्म मिल जाएगा 9 बजे से सुबह दोपहर 2 बजे तक। लास्ट डेट है यहाँ पर 5 मई 2024। नेक्स्ट स्कूल है यहाँ पर दरबारी लाल DAV मॉडल स्कूल, ये भी दिल्ली में है, ND ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली 11034। यहाँ पर टीचर और स्टाफ के लिए वैकेंसी निकल कर आया है, यहाँ पर भी सब कुछ सेम टू सेम है। CBSE और ICSE स्कूल है, यहाँ पर वैकेंसी है पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मास्टर डिग्री रहना बहुत ज़रूरी है और BEd क्वालिफाइड होना जरूरी है। प्राइमरी टीचर है जो प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है, जो जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, वेलनेस टीचर, काउंसिलर, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, AI, ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क होना जरूरी है और BEd ट्रेनिंग कंप्लीट किया हुआ जाना चाहिए और CTET क्वालिफाइड होना जरूरी है। नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी है, BA और NTT क्वालिफाइड होना चाहिए। नर्स के लिए वैकेंसी है, BA और 12 पास, 12 के बाद यहाँ पर BA और 12 के बाद नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना जरूरी है। उसके बाद नेटवर्क असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस या BCA विद डिप्लोमा इन हार्डवेयर कोर्स रहना जरूरी है। उसके बाद आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत के लिए पोस्ट है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर CTET क्वालिफाइड होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस और प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर के लिए 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर स्कूल का जो वेबसाइट है यहाँ पर DIDAVPP.IN, इस पर यहाँ पर आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा। 24/4 से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 30/4। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करके फिजिकल कॉपी को, यहाँ पर फोटो कॉपी, टेस्टिमोनी और एडिशनल जो जो प्रोविजनल आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सब कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर 350 रुपया नॉन रिफंडेबल चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म फिलअप फॉर्म जमा करना पड़ेगा स्कूल के ऑफिस में, और यहाँ पर स्कूल का जो एड्रेस है वहाँ पर जाके आप लोगों को जमा करना है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के वो सिर्फ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्कूल का एड्रेस आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। और पे और पेमेंट जो है, अलाउंस जो है, DAV
कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा।